नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रसंग से नेपाल में थप 126 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कैल गया 7091 टा PCR परीक्षण में 111 आ 1842 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 15 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी दिलक है। तहिना कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 1 गोटे की मृत्यु सेहो भेल। अखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण 11,945 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 385 गोटे संक्रमित निक होइत नेपाल में अखन धरि 9,58,193 गोटे संक्रमित निक भेल छन। अखन नेपाल में 7,242 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 106 गोटे क्वारंटाइन में रहल, मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मानव अधिकार रक्षाक संबंध में प्रदेश सरकार संवेदनशील रहल जिकिर केने छैन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जनकपुर में आयोजना केने 2 दिवसीय मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलन के उद्घाटन करते मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार अब मानव अधिकार के रक्षा के सवाल में स्थापना काले से संवेदनशील भक आगा बढ़ रहल जानकारी दलन। प्रदेश सरकार निर्माण के नियम कानून सब में मानव अधिकार के विषय के प्राथमिकता में राखल गेल उल्लेख करते मुख्यमंत्री राउत अपन अधिकार के प्रयोग में दोसर के अधिकार हनन नहीं है, व्या ख्याल संगे मानव अधिकार रक्षा के सवाल में अपना सबक समाज बटका सफलता पैत विश्वास व्यक्त कलय थ। मानव अधिकार रक्षा के सवाल में प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध अछैतो पर प्रहरी प्रशासन के अभाव में अपेक्षीय कार्य कर नहीं सकल स्वीकार करते मुख्यमंत्री राउत प्रहरी प्रशासन के हस्ताक्षर भेल संगे मानव अधिकार उल्लंघन के घटना सब नियंत्रण में बड़का सहयोग मिलत विश्वास व्यक्त कलन। मुख्यमंत्री राउत सम्मेलन से मिल वाला सलाह सुझाव प्रदेश सरकार के लिए उपयोगी होब समेत तर्क केने छथि। यो हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता र हाम्रो कमिटमेन्ट के छ भने यो प्रदेश भित्र एउटा यो खासमा भन्ने हो भने जहाँ जबसम्म हामी गुड गभर्नेन्सको कुरा गर्छौँ, जो हामी चाहिँ एउटा सभ्य एउटा समाजको परिकल्पना गर्छौँ भने त्यहाँ पहिलो दायित्व नै मानव अधिकारको संरक्षणका कुराहरू आउँछ, मानव अधिकारको रक्षाको कुरा आउँछ, जो चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो स्तरबाट निर्वाह गरिराख्नु भएछ। यहाँ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ तर यहाँको तल यहाँको सेक्टरमा मतलाइरहेको छ, हजारौँ लाखौँ व्यक्तिहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ र यहाँहरूको लामो अनुभवलाई पक्कै पनि प्रदेश सरकारले लिनेछ र प्रदेश सरकारले आवश्यक आउने दिनहरूमा आवश्यक ऐन कानुन बनाएर मलाई लाग्छ मानव अधिकारको सेक्टरमा काम गरे जस्तो हामीलाई थाहा हुँदैन। हुन त यो टेक्निकल कुरा हो, हामी कसैले कहीँ अफिस कार्यालयहरू बनाउँदाखेरिको अब अफिस त बनाइदिन्छौँ, टोयलेट त बन्छ। मानव अधिकार आयोग के सदस्य मिहिर ठाकुर के अध्यक्षता में भेल उद्घाटन सत्र में उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा, नेपाल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र सिंह, मानव अधिकार रक्षक संचालक के केंद्रीय अध्यक्ष श्यामा शाह, गौर सरकारी संस्था महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र बहादुर सिंह सहित के वक्ता सब शुभकामना मंतव्य रखने छलथि। जनकपुर धाम से पर्यटकीय नगरी पोखरा के लिए हवाई उड़ान शुरू भेल। जनकपुर धाम पोखरा हवाई उड़ान बृहस्पति दिन से शुरू भेल। जनकपुर धाम स्थित नागरिक उड्डयन कार्यालय के प्रमुख योगेंद्र कुंवर के अनुसार जनकपुर धाम पोखरा उड़ान हफ्ता में 3 दिन है, तहिना बाद में यात्रु के चाप आ मांग अनुसार उड़ान नियमित कैल जाए। अखन हफ्ता के सोम दिन, बृहस्पति दिन आ शनि दिन पोखरा के लिए बुध एयर उड़ान भर लागल। हुनकर कहब अछि दू शहर बीच हवाई उड़ान शुरू भेलाक बाद जनकपुर धाम आब चाहने पर्यटक सब सहज आ सुरक्षित रूप में हवाई यात्रा मार्फत प्राकृतिक सौंदर्य से भरिपूर्ण नागरिक नगरी पोखरा जाइत संगे पोखरा से सेहो हवाई मार्ग भक पर्यटकीय धार्मिक आ सांस्कृतिक नगरी जनकपुर धाम आब सकैत। हुनकर कहब छल हवाई उड़ान शुरू भेलाक बाद दुनू ठाम के पर्यटक प्रवर्धन में थप टेबा पुगब विश्वास कैल गेल। बीतल असोज में गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री के आमंत्रण में पोखरा भ्रमण में गेल मधेश प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत दू पर्यटकीय शहर के हवाई उड़ान जोड़ लेल प्रस्ताव आगा बढ़ौने छलथि। महतरी प्रहरी विभिन्न 4 भट्टी दोकान में छापा मारिकऽ घरेलू दारू जफत करैत नष्ट कयलक अछि।
बीतल रात भट्टी में अवैध रूप में दारू उत्पादन भ रहा सूचना के आधार में बलवा नगर पालिका स्थित प्रहरी टोली करीब 650 लीटर कच्चा पदार्थ आ 100 लीटर दारू नष्ट केने जानकारी देने अछि। प्रहरी विनोद शाह, अरुण चौधरी, श्याम महतो आ दिलीप शाह संचालन केने भट्टी दोकान से दारू आ कच्चा पदार्थ जब्त कर नष्ट केने जिला प्रहरी कार्यालय महतौरी के प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्ट जानकारी देने छन। प्रहरी चारू गोटे भट्टी संचालक के आब से दारू उत्पादन नहीं करब शर्त में स्थानीय जनप्रतिनिधि आ स्थानीय के रोहबर में छोड़ने प्रवक्ता विष्ट जानकारी देने छन। सप्तरी में 12 जनयुद्ध शहीद परिवार के मध्य प्रदेश सरकार 1,00,000 रुपया आर्थिक सहयोग वितरण कलक। राजविराज में बृहस्पति दिन एक समारोह के बीच मध्य शहीद प्रतिष्ठान के अध्यक्ष समेत रहल आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह 1,00,000 रुपया के चेक आ कदर पत्र सहित शहीद परिवार सबके वितरण केने छन। सप्तरी के तिरहुत गाँव पालिका राम कुमार मुखिया जीवानंद यादव, अग्नि सायर गाँव पालिका के गुणानंद चौधरी, सुरुंगा गाँव नगर पालिका के दुर्गा पौडेल, अर्जुन कोरला, डाकनेश्वरी नगर पालिका के रमेश राम, रामेश्वरी चौधरी, जगगडा गाँव पालिका के वीरेंद्र यादव, सकल देव यादव, राम विलास राम, बलान बेहुली गाँव पालिका के कमलेश यादव, जुटती यादव सहित परिवार के नगद आ सम्मान पत्र हस्तांतरण कैल गया। मंत्री साहब जनयुद्ध के समय शहादत भेल तथा छूटल संपूर्ण शहीद परिवार के दोसर चरण में नगद आ सम्मान पत्र हस्तांतरण कर प्रतिबद्धता जनौने छन। संवैधानिक इजलास आइ से शुरू भेल अछि। आइ कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की संवैधानिक इजलास के गठन केने छन। संसद में महाभियोग के प्रस्ताव दर्ता भेल संगे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलंबन में पड़लाक बाद कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलास के गठन केने छन। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की इजलास में वरिष्ठतम न्यायाधीश मीरा खटका, न्यायाधीश सब हरिकृष्ण कार्की, विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ आ ईश्वर प्रसाद खतीवाड़ा के इजलास गठन केने छन। अहि इजलास में सामान्यता वरिष्ठता के आधार में न्यायाधीश के चयन हैत। संगे संवैधानिक इजलास के पहल पेशी में सामान्य प्रकृति के मुद्दा मात्र समावेश कैल जाए। तहिना संविधान संघीय इकाई सब बीच के विवाद प्रदेश सभा आ संघीय सांसद के सांसद सब के अयोग्यता संबंधी आ चुनावी संबंधी विवाद तथा तीनों तह के व्यवस्थापकीय बनाकर कानून संविधान संग टकराइल विवाद देखल अधिकार अई इजलास के गठन केने अछि। इजलास बहस नहीं बैसा नहीं सकल बाद अधिक मुद्दा में सुनवाई होब नहीं सकल छल। अखन सर्वोच्च के संवैधानिक इजलास में के पी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहल समय अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकाय में कैल गेल नियुक्ति बदर कर मांग केने मुद्दा मध्य प्रदेश संघीय सरकार विरुद्ध दायर केने प्रादेशिक अधिकार संबंधी मुद्दा, वामदेव गौतम के राष्ट्रीय सभा में कैल गेल मनोयन विरुद्ध के मुद्दा, प्रतिनिधि सभा चुनाव संबंधी विवाद लगात के मुद्दा रहल अछि। नेपाली कांग्रेस पर्सा के सभापति में संस्थापन पक्ष के जनार्दन सिंह छेत्री विजयी भेल छन। निर्वाचन अधिकृत नरेंद्र बहादुर केसी के अनुसार छेत्री 465 मत से विजयी भेल छन। छेत्री श्याम प्रसाद पटेल के पराजित केने छन। सभापति में विजयी छेत्री 1,110 मत आना में सफल भेल संगे पटेल मात्र 645 मत प्राप्त केने छलन। विजयी छेत्री पूर्व जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष सेहो रहल छन। ओ लोकप्रिय रहला से विजयी भेल जानकारी दलन। जिला उपसभापति में राम नारायण प्रसाद कुर्मी आ अशोक कुमार गुप्ता, सचिव में इम्तियाज आलम आ दिनेश कुमार चौधरी विजयी भेल छन। तहिना सह सचिव में नवीन सिंह आ मदन राउत अहिर विजयी भेल छन। निर्वाचित उपसभापति, सचिव आ सह सचिव सब संस्थापन पक्ष के रहल छन। निर्वाचन में 67 पद के लेल 1,830 गोटे मतदाता मध्य 1,779 गोटे मतदान केने छलन। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता मातृका यादव पार्टी महाअधिवेशन के निर्णय अनुसार MCC अनुमोदन भेल जानकारी देने छन। केंद्रीय कमिटी बैसार से पहले संचारकर्मी सब संग बात करते यादव 8 राष्ट्रीय महाअधिवेशन के निर्णय बमोजिम MCC अनुमोदन भेल जानकारी देने छन। महाअधिवेशन संशोधन का पास करब कहल गेल छल आ वह भेल अछि।
यादव कहलनि महाधिवेशन के निर्णय अनुसार एमसीसी अनुमोदन भेला से आपत्ति जनाब कारण नहीं रहल हुनकर तर्क अछि। मुदा किछ नेता सब अपन व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं भेला से असंतुष्टि जनौने यादव जानकारी देलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के तेसर केंद्रीय कमिटी के बैसार फागुन 25 आ 26 गते के लेल तय कयल गेल अछि। बैसार में पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करैत वह ऊपर छलफल कर पार्टी स्रोत जानकारी देलक अछि। तहिना बैसार में भरखरे सांसद से पास भेल एमसीसी प्रतिवेदन ऊपर से हो छलफल कयल जायत। बैसार में स्थानीय तह निर्वाचन में पार्टी केना का प्रस्तुत है तो वह विषय में अवधारणा समेत बनाव बताव गेल अछि। निर्वाचन आयोग बैसाख 30 गते के लेल तय भेल स्थानीय तह निर्वाचन के काज में जुटल अछि। जाय अंतर्गत आई से मतदाता नामावली में दाबी विरोधी शुरू भेल अछि। आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पोडेल के अनुसार 26 गते फागुन धरि मतदाता नामावली में रहल त्रुटि सत्यापन निवेदन देव कोई झूठ विवरण द क नामावली में नाम समावेश करौने छन त व्याहक विरोध में उजूरी देव कोनो मतदाता के नाम एक से बेसी स्थान में समावेश भेल अछि त एक स्थान में मात्र कायम कर लेल निवेदन देव सकत जानकारी देलनि। आई अवधि में मृत्यु भेल वा नागरिकता त्यागने मतदाता के नाम मतदाता नामावली से हटाव सूचना देने उजूरी पड़ल मतदाता के प्रमाण सहित सफाई के मौका देव हुनकर कहब छल। 77 जिला स्थित निर्वाचन कार्यालय में दाबी विरोध के लेल निवेदन देव सक आ वेब आधार में आयोग छानबीन क के मतदाता के अंतिम नामावली प्रकाशन कर जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम फेरू पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि कलक अछि। नेपाल आयल निगम आई रात 12 बजे से लागू केने नया दाम कायम केने अछि। निगम के अनुसार स्थानीय बाजार में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 150 रुपया रहल अछि। तई संगे डीजल के दाम प्रति लीटर 133 रुपया कायम कयल गेल अछि। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ा कर पठेने बाद निगम फेरू पेट्रोल आ डीजल के दाम बढ़ौने जानकारी करौनी अछि। तहिना मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 133 रुपया, हवाई ईंधन के दाम प्रति लीटर 136 रुपया तोकने निगम जानकारी देलक अछि। सोन के दाम हफ्ता के अंतिम दिन शुक्र के प्रति तोला 900 रुपया से बढ़ल अछि। शुक्र दिन छपावाल सोन के दाम तोला के 99,900 रुपया कायम कयल गेल अछि। ऐसा पने बृहस्पति दिन छपावाल सोन के दाम 99,000 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना शुक्र दिन तेजाबी सोन के दाम तोला के 99,400 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। अहिना चांदी के दाम आय स्थिर रहल अछि। बृहस्पति दिन जेहन आय 1,380 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस यूक्रेन में केने आक्रमण योजना अनुसार भेल जानकारी देलक अछि। ओ कहलनि यूक्रेन ऊपर के विशेष सैन्य कार्यवाही हमर सबक योजना अनुसार भेल आ आई के तैयारी हम सब गोटे केने छलहुँ। रूस के सुरक्षा परिषद के एक बैसार में काल्हि खन ओ इएह धारणा रखने छनि। सिन्हावा एहि सम्बन्धी जानकारी देलनि हम सब सुनिश्चित केने काज केलहुँ आ ई काज नीक से अर्थात सफलतापूर्ण सम्पन्न भेल अछि। पुतिन कहने छनि ओ रूस यूक्रेन ऊपर केने आक्रमण में रूसी सेना साहसपूर्वक काज केने से हो जानकारी देलथि। ओ कहलनि रूसी सेना बड़का काज केने अछि, निके साहसी काज भेल आ हमर सभा वह सफल भेल अछि। रूस के सीमा क्षेत्र में पश्चिम सबसे खतरा देखल गेल तथा रूस के से हो आणविक खतरा रहल वह कारण रूस यूक्रेन में विशेष सैन्य कार्यवाही केने जानकारी देने अछि। रूस बीतल हफ्ता से यूक्रेन में आक्रमण कर रहा है। काल्हि रात धरि से हो यूक्रेन के राजधानी आ अन्य कतको शहर सब में रूसी सेना आक्रमण के ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम सब जानकारी देलक अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हो बेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।